Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we are going to talk about Irrawaddy Karve and her contribution in Indian anthropology. So let's start. Irrawaddy Karve, she was born in 1905 in Myanmar, Burma, and died in 1970. She is known as first female Indian sociologist, and according to Nandi Sundar, who wrote a biography on Karve, she was first Indian female anthropologist. So first Indian female Indian sociologist and first Indian female anthropologist, दोनों के नाम से हम इरावती कार्वे को जानते हैं. और ये four traditions से influence majorly, she was influenced by four intellectual traditions: ideological, ethnological, German physical anthropology, and socio-economic research and archaeological explorations. She contributed in the field of caste, kinship, religion, genetics in India and Germany. And she was an Indologist. उन्होंने India के ऊपर study किया. She was classical Oriental Indologist में से वो belong करती हैं. And she relied on ancient Sanskritic text to decode the present. तो जो 3000 साल पहले की जो Sanskrit text थी और तमाम दूसरे तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को उन्होंने स्टडी किया. और उसके बाद उन्होंने जो इंडियन जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने किनशिप सिस्टम पर काम किया और तमाम फोक सॉन्ग्स और फेमिनिस्ट पोएट्री को भी उन्होंने कलेक्ट किया और ट्रांसलेट किया. शी वर्क ऑन सोशल एंथ्रोपोलॉजी एज वेल एज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से भी उनका कुछ कंट्रीब्यूशन है. यहाँ तक कि उनकी जो थीसिस थी वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के ही ऊपर थी, जिसमें कि टॉपिक था द नॉर्मल एसिमेट्री ऑफ ह्यूमन स्कल. और ये जो उन्होंने पीएचडी किया था वो किया था केसर विलहेम इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन हेरिडिटी एंड यूजेनिक्स जर्मनी से. तो जर्मनी से उनकी पीएचडी अवार्ड हुई थी. शी वाज अवार्डेड डॉक्टरेट डिग्री ऑन टॉपिक नॉर्मल एसिमेट्री ऑफ ह्यूमन स्कल. लेकिन जो उनका पीजी थीसिस था वो जी एस घोरे के अंडर में ही पूरा हुआ था. घोरे की वो स्टूडेंट, शी वाज वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ जी एस घोरे. और उनका टॉपिक था चित्पावन ब्राह्मण्स एंड एथनिक स्टडी. और शी हरसेल्फ बिलोंग टू दिस कास्ट चित्पावन ब्राह्मण से वो बिलोंग करती थी. और उसी पर उनका पीजी का थीसिस था अंडर द गाइडेंस ऑफ जी एस घोरे. गोविंद सदासी घोरे के अंडर में ही उनका ये पीजी थीसिस पूरा हुआ था. शी वाज वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ जी एस घोरे. ठीक है, तो इरावती कार्वे का कंट्रीब्यूशन मेजरली वो कास्ट और किनशिप पर उनकी स्टडीज थी और कुछ रिलीजन और जेनेटिक्स पर भी उनका योगदान था. शी वॉज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एट टेक्कन कॉलेज पुणे. एंड हर इम्पोर्टेंट बुक्स आर, जो इम्पोर्टेंट के पब्लिकेशन है वो है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक है रिटन बाई ईयर इरावती कार्वे. और इसी में उन्होंने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया में किनशिप ऑर्गेनाइजेशन की बारे में बात की और उनको फोर जोन्स में बांटा, नॉर्थ, साउथ, ईस्टर्न एंड सेंट्रल जोन में बांटा. 1953 में ये बुक पब्लिश हुई थी. देन सेकेंड बुक है हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन, इसमें उन्होंने हिंदू कास्ट सिस्टम की बात की है, 1961 में हुई है. युगांता द एंड ऑफ एन ईपोक, 1967 में ये बुक लिखी गई. एंड दिस बुक वॉज बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत. द बुक वॉज फर्स्ट रिटन इन मराठी एंड लेटर ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश. एंड शी गॉट 1967 साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर दिस बुक. तो युगांता द एंड ऑफ एन ईपोक, इस बुक के लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था. और महाराष्ट्र द लैंड एंड पीपल, ये एक बुक लिखी थी 1968 में. एंड 1994 में शी रोट चैप्टर, बुक चैप्टर लिखा था उन्होंने पी ओब्राय की बुक फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया में. बुक चैप्टर का नाम था द किनशिप मैप ऑफ इंडिया. तो जो उनकी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस है उसमें किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया है, हिंदू सोसाइटी इंटरप्रिटेशन है, युगांता है एंड किनशिप मैप ऑफ इंडिया है, जिसमें कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, जिसमें जिसके लिए उनको जाना जाता है. और इसी में उन्होंने फोर कल्चरल जोन्स में पूरे इंडियन जो सोसाइटी है उसको किनशिप जोन्स, फोर किनशिप जोन्स में बांटा था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, फैमिली ऑर्गेनाइजेशन एंड कास्ट.
Contribution field of kinship system in India. In her book Kinship or Marriage in India 1953 में book she made a comparative analysis of four cultural zones of India. Northern, Southern, Eastern and Central. ठीक है, तो ये चार जोन उन्होंने बांटी थी और ये बांटा था उन्होंने लैंग्वेज के आधार पर, लिंग्विस्टिक जबलिटी है, कास्ट के आधार पर, फैमिली ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर. अब नॉर्दर्न जोन में उन्होंने जो लैंग्वेजेस देखी वो पंजाबी, सिंधी, बिहारी, बंगाली, असमीज, जिसमें कि नॉर्थ ईस्टर्न जोन की भी जो लैंग्वेजेस हैं उसको उसमें ले लिया गया है. देन साउदर्न जोन में जो साउथ के जो भी लैंग्वेजेस है, जिसमें तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, वो सारा कुछ साउदर्न जोन में आ जाता है. देन ईस्टर्न जोन में जो एसएमईज है और ये है क्या कहते हैं बंगाली, वो सब तो रहेगी ही. मोनखमेर लैंग्वेज भी है जो नॉर्थ ईस्ट की है, मोनखमेर लैंग्वेज जो लैंग्वेज फैमिली है, और मुंडारी है. तो मुंडारी जो झारखंड की जो मुंडा उड़ाव और को फैमिलीज बोलती मुंडारी लैंग्वेजेस, और मोनखमेर लैंग्वेज है, असमीज है, ये सारा आ गया ईस्टर्न में. देन नॉर्दर्न जोन में आपको देख लिया आपने पंजाबी, सिंधी, बिहारी, बंगाली. देन आता है सेंट्रल जोन, सेंट्रल जोन में आता है गुजराती, मराठी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी एक्सेट्रा. तो सेंट्रल में उन्होंने जो वेस्ट जोन की जो स्टेट्स हैं, जिसमें कि गुजरात है, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनकी भी लैंग्वेजेस को सेंट्रल जोन में ही इंक्लूड किया गया है. तो इस तरह जो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड सेंट्रल, ये चार जोन में इन्होंने पूरा बांटा था, पूरे होल इंडिया को फोर कल्चरल जोन्स में बांटा था. तो कल्चरल जोन्स जो फोर कल्चरल जोन्स पूछा जा सकता है कि हु मतलब मेड अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फोर कल्चरल जोन्स इन इंडिया, या हु क्लासिफाइड होल इंडिया इन फोर कल्चरल जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कास्ट एंड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें आपका आंसर होगा इरावती कार्वे. और इनका जो मेजर फोकस था ये करने का वो था किनशिप स्टडीज. किनशिप ऑर्गेनाइजेशन को ये स्टडी करना चाहती थी ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ डिसेंट एंड इनहेरिटेंस, मैरिज एंड फैमिली पैटर्न्स, कॉम्पिटेटिव स्टडी ऑन सांस्कृतिक नॉर्थ एंड प्रोविनियन साउथ, एंड बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज. ये सारा कुछ मेजर इनका फोकस पॉइंट था. और कौन से किनशिप टर्म्स यूज किए जाते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो बिकॉज ये वैरी करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपके किनशिप टर्म्स वैरी करते हैं. तो ये सारा कुछ स्टडी करने का मेन उनका फोकस था और इसीलिए उन्होंने फोर कल्चर जोन्स में बांटा था होल इंडियन सोसाइटीज को. शी मेड अ लिस्ट ऑफ किनशिप टर्म इंडियन लैंग्वेज मेन फोकस ऑन द डिफरेंस बिटवीन सांस्कृतिक नॉर्थ एंड ट्रिबिनियन साउथ. तो जो नॉर्थ इंडियन है उनका और साउथ में मेजर क्या डिफरेंसेस हैं ये देखने के लिए उन्होंने किनशिप टर्म की एक लिस्ट बनाई थी. शी ऑल्सो स्टडीड द कास्ट एंडोगैमी, एक्सोगैमी, इंसेस्ट टैबू, प्रोसेस ऑफ एक्लचरेशन, एकोमोडेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ किनशिप, एंड शी एनालाइज 3000 ईयर्स बेस्ड ऑन एथनिक सोर्सेज, फोक लिटरेचर्स, ऑब्जर्वेशंस एंड सांस्कृतिक टेस्ट. तो अपनी स्टडीज में इन्होंने पाया, जो फोर कल्चर जोन में जो स्टडी की उसमें पाया कि जो नॉर्दर्न जोन है वहां पर जो ब्लड रिलेशनशिप्स होती हैं, जिसको कि कॉन्सिंगिनियल किनशिप कहते हैं, एंड फाइनल किनशिप जो मैरिटल रिलेशनशिप के बाद बनती है, वो मतलब ऐसे किन्स जो मैरिज के बाद बनते हैं, फाइनल किन्स होते हैं, उनके बीच में एक क्लियर कट डिफरेंस होता है. तो नॉर्थ जोन में तो डिफरेंस होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिंगिनियल किनशिप एंड फाइनल किनशिप. बट इन साउथ जोन, साउदर्न जोन में देयर इज नो डिफरेंस, नो सच डिफरेंस. वो आपस में यूनाइटेड रहते हैं और में कोई ऐसा डिमार्केशन नहीं होता दो डिफरेंट किनशिप सिस्टम्स में कि वो ब्लड रिलेटिव्स और फाइनल दोनों को ही आपस में यूनाइट करने के लिए वहाँ पे क्रॉस कजिन मैरिज और इस तरह की मैरिजेस भी होती हैं. लेकिन यहाँ पर नॉर्दर्न जोन में ये क्रॉस कजिन मैरिज को अलाउ नहीं करते हैं, जबकि साउदर्न जोन में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू टाइप ऑफ किंग्स, दैट इज ब्लड एंड मैरिटल, एंड क्रॉस कजिन मैरिज यूजली प्रेफर्ड. इट हेल्प्स टू मतलब ये इंटीग्रेट करने का काम करती है, स्ट्रेंथन करने का काम करती है देयर किनशिप रिलेशंस एंड यूनिटी इन साउदर्न जोन. ठीक है, तो नॉर्दर्न जोन में कास्ट एंडोगैमी, क्लैन एक्सोगैमी, इंसेस्ट टैबूज
और जो ये है मींस ब्लड एंड फाइनल रिलेशनशिप या किनशिप के बीच में डिफरेंसेस ये फॉलो किए जाते हैं, बट इन केस ऑफ साउदर्न जोन नो सच रूल्स आर देयर, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू टाइप ऑफ किन दैट इज ब्लड एंड मैरिटल एंड क्रॉस कल्चर मैरिज इज यूजली प्रैक्टिस्ड। ठीक है, ईस्टर्न जोन के केस में देखा जाए तो जो नॉर्थ जोन की लैंग्वेजेस हैं वो और मुंडारी और मोनखमेर लैंग्वेजेस को बोलते हैं वो, जिसमें कि मोनखमेर चायन आता है। और मुंडारी स्पीकिंग पीपुल दे लाइक हो एंड मुंडा वो पैट्रिलिनियल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, पैट्रिलिनियल डिसेंट होता है, उनकी फैमिलीज में फादर को सारे राइट्स होते हैं। जबकि जो खासी है आसाम की और मेघालय की, वहां पे मैट्रिलिनियल डिसेंट होता है। ठीक है, तो बोथ पैट्रिलिनियल मैट्रिलिनियल टाइप ऑफ डिसेंट इज फाउंड इन ईस्टर्न जोन। ईस्टर्न जोन में दोनों ही पाएगा, जबकि नॉर्थ जोन में हमको सिर्फ पैट्रिलिनियल डिसेंट मिलता है। कुछ जो हिमालयन की जो वो है मतलब क्या कहते हैं ट्राइब्स हैं या कुछ एरियाज है, वहीं पर हमको कुछ मैट्रिलिनियल मिलता है, लेकिन मेजर जो पोर्शन है वो पैट्रिलिनियल बिलोंग करता है। इन केस ऑफ ईस्टर्न हमने देखा कि पैट्री एंड मैट्री दोनों ही है, और लेकिन साउथ से डिफरेंस इतना ही है कि जो साउथ के जो मैट्रिलिनिटी नायर्स के अमंग पाई जाती है, वहां पे फादर हमेशा आउटसाइडर रहता है। नायर में जो मैट्रिलिनिटी पाई जाती है अमंग नायर्स, जो साउथ इंडियन की मेजर कास्ट ग्रुप है नायर्स, वहां पर हमको मैट्रिलिनिटी पाई जाती है, जिसमें कि मदर के साथ सारे पास सारे राइट्स होते हैं, फादर इज ऑलवेज आउटसाइडर और वो फैमिली में साथ में रहता नहीं है। जबकि जो खासी फैमिली है असम एंड मेघालय की, वहां पे फादर एंड मदर एक साथ रहते हैं इन सेपरेट हाउस। तो ये थोड़ा एक डिफरेंस है, लेकिन मैट्रिलिनिटी जो है वो सेम है इन केस ऑफ ईस्टर्न एंड साउदर्न जोन, दैट इज नॉट सेम विद द नॉर्थ जोन। ठीक है, क्रॉस कजिन मैरिज यहाँ पर थोड़ा रेयर है ईस्टर्न के केस में, साउथ में मोस्टली प्रेफर करते हैं वो, लेकिन क्रॉस कजिन मैरिज ईस्टर्न जोन में रेयर है। सेंट्रल जोन में भी क्रॉस कजिन मैरिज प्रिफर्ड है या प्रैक्टिस्ड है। ओनली हो मुंडा और संथाल जो होते हैं ईस्टर्न जोन के, वही प्रैक्टिस करते हैं क्रॉस कजिन मैरिज, बाकी नहीं करते हैं। सेंट्रल जोन में क्रॉस कजिन मैरिज प्रैक्टिस की जाती है। विलेज एक्सोगेमी और क्लैन एक्सोगेमी और कास्ट एंडोगेमी ये भी फॉलो करते हैं, जैसा कि नॉर्थ जोन में करते हैं। ठीक है, राजस्थान में फ्यूडल स्टेटस जो है मैरिज की वो कंसीडर किया जाता है। तो ये सारी फाइंडिंग्स थी, दीज आर मेजर फाइंडिंग्स ऑफ जो इरावती कार्वेज की स्टडी थी ऑन किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो बुक उनकी पब्लिश हुई थी इसमें 1953 में, उसमें ये सारा कुछ उनका फाइंडिंग्स था, इन्होंने एनालाइज किया इन सब पॉइंट्स को, और ये बेसिस पर पहुंचे कि फोर जोन्स में बहुत ही डिफरेंस है, और जो मेजर डिफरेंस है वो सांस्कृतिक नॉर्थ एंड द्रविड़ियन साउथ में है। तो लैंग्वेजेस के आधार पर, जो उनके किनशिप टर्म्स है उसके आधार पर, उनके रहन सहन, उनका कास्ट का जो रूल्स है एंडोगैमी का उसके आधार पर, क्लैन एक्सोगैमी, विलेज एक्सोगैमी, टेरिटोरियल एक्सोगैमी जिसको कह सकते हैं, इन सब पॉइंट्स पर उन्होंने फोकस किया और पाया कि नॉर्दर्न जोन में विलेज एक्सोगैमी प्रैक्टिस की जाती है, विलेज के बाहर ही शादी की जाती है, विलेज के अंदर वो किन रिलेटिव्स माने जाते हैं, मतलब जस्ट लाइक द ब्लड रिलेटिव्स वो माने जाते हैं कि एक विलेज के लोग आपस में भाई बहन है या उनके बीच में वही रिलेशंस हैं जैसा कि एक कॉन्सन्गिनियल किनशिप में ब्लड रिलेशंस में होता है, और इसलिए विलेज एक्सोगैमी या टेरिटोरियल एक्सोगैमी को फॉलो करते हैं। जबकि साउथ के केस में ऐसा नहीं है, वहां पर विलेज एंडोगैमी भी प्रैक्टिस की जाती है, वहां पर क्लैन एक्सोगैमी या ये जो कास्ट एंडोगैमी होता है इसको उतना नहीं फॉलो करते हैं, कुछ कास्ट ग्रुप में ही फॉलो करते हैं, मेजर जो है वो ऐसा नहीं है। और क्रॉस कजिन मैरिज जो नॉर्दर्न जोन में है वो नहीं प्रैक्टिस की जाती, जबकि साउथ में ये प्रैक्टिस की जाती है। तो इस तरह उन्होंने देखा कि बहुत डिफरेंसेस हैं भाषा बोली बालचाल बोलचाल और उसके साथ फैमिली ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट, और जो लीनियज होता है डिसेंट होता है, और फैमिली ऑर्गेनाइजेशन होता है, कास्ट ग्रुप होते हैं, क्लैंस होते हैं, ये सारे बेसिस को उन्होंने स्टडी किया और उसके आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। तो दिस वाज ऑल अबाउट इरावती कार्वे कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, आर मेजर एंड कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ किनशिप सिस्टम इन इंडिया
किनशिप ऑर्गेनाइजेशन लिया और उनको उन्होंने चार जोन में बांटा, और उसमें जो मेजर सांस्कृतिक नॉर्थ एंड साउथ, जो द्रविड़ियन साउथ है उसमें क्या मेजर डिफरेंसेस है ये देखा।